नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रसाद वर्मा, ज्ञानदानी क्लासेज ऑनलाइन। तो हम पढ़ रहे हैं इस समय एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसमें हमने इसके पहले वाले भाग में पढ़ा था कि एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ रासायनिक गुणधर्म। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे, मतलब जो गुणधर्म बचे हुए हैं जिनका अध्ययन हमने उस भाग में नहीं कर पाए, उसका अध्ययन अब हम करेंगे। तो आइए हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म कि कौन कौन से इसके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहला है आपका कीटोन वाला है, तो आप कहोगे थ्री थ्री CH3CO CH3। ये क्या है? पर कीटोन है। कीटोन के तीन अणु हैं, सांद्र एस टू एस ओ फोर की उपस्थित में ये रिएक्शन होगा। और जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? ये बनाएगा मेसिटिलीन। क्या बनाएगा? मेसिटिलीन को बनाएगा। ऐसे आप कहेंगे ये CH3 CH3 और CH3। साथ ही साथ क्या होगा? -3H2O, जल का तीन अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा। तो फिर से एक बार सुनिए, आप कहोगे कीटोन को, जब कीटोन को किसके साथ, क्या नाम है कि जब कीटोन को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो पानी का तीन अणु बाहर चला जाता है और मेसिटिलीन बनता है। पानी का क्या होता है? पानी का तीन अणु बाहर चला जाता है और मेसिटिलीन बनता है। तो पहले हमने ये देखा पहला गुणधर्म, अब हम देखते हैं दूसरा गुणधर्म। दूसरा गुणधर्म क्या है? ये है आपका CH2OH, या एच भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड। क्या कहेंगे? ये जो हम यहाँ लिख रहे हैं, ये है आपका फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए इसमें है क्या? इसमें है आपका HCHO। क्या है आपका? HCHO है। तो आप कहोगे HCHO को हम किसी क्रिया कराएंगे? अमोनिया के चार अणु से कराएंगे, अमोनिया के चार अणु से कराएंगे। तो देखिए ये है आपका HCHO, ये है फॉर्मल्डिहाइड और ये है अमोनिया। कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से क्रिया करता है, तो बनेगा आपका जो प्रोडक्ट वो बनेगा आपका CH2 6N4। इसका नाम है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है यूरोट्रॉपिन। इसका नाम है यूरोट्रॉपिन। तो देखिए ये बनाएगा आपका यन, ऐसे बनाएगा। उसके बाद CH2 CH2 CH2, और यहाँ पर लगेगा यन यन, और यहाँ पे लगेगा यन। अब देखिए यहाँ पे लगाएंगे हम CH2, मतलब इसी की रचना को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या होगा? CH2। तो फिर से देखिए एक बार, आपने क्या किया? लिया फॉर्मल्डिहाइड के छः अणु को अमोनिया से क्रिया करा रहे हैं, तो क्या होगा? ये CH2 छः बार बनाएगा और N4। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यन यहाँ लिखोगे और CH2 तीनों तरफ लगा दोगे। उसके बाद फिर CH2 से यन को जोड़ दोगे, नाइट्रोजन को जोड़ दोगे, और ये रचना आपको प्राप्त होगी बीच में CH2 लगाने के बाद। लेकिन ध्यान से देखिए, बैलेंस करो पहले समीकरण। यहाँ पे यन के बाद चार बार है, तो यहाँ पे यन आपको चार मिले। एच के बार है हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 × 12, मतलब 12 बार है आपके पास। और यहाँ पे कितनी बार है? यहाँ पर भी 12 है। तो यहाँ पे चेक करो कितने हैं आपके पास टोटल। टोटल यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अभी कितनी कमी है? कितनी कमी है? कमी हमारे पास है यहाँ पर 12 की। तो आप लिख सकते हो 12 को ऐसे 6H2। ओ कितने हैं यहाँ पे? 6। यहाँ पे एक भी नहीं है, इसलिए आपने बना दिया 6H2O के अणु को बना दिया। तो हमने इस चीज़ को देखा, तो हमने देखा कि जब फॉर्मल्डिहाइड के छः अणु को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो यूरोट्रॉपिन बनता है। इस चीज़ को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि इसका अगला रासायनिक गुणधर्म, एल्डिहाइड और कीटोन का जो अगला रासायनिक गुणधर्म है वह है अपचयन क्रिया। क्या है? अपचयन क्रिया। तो देखिए पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड R, यहाँ पे लिखोगे आप HCO। ये क्या है? एल्डिहाइड है। इसकी क्रिया आप किसके साथ? इसकी क्रिया आप जब हाइड्रोजन से कराओगे, किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे लेंगे हम 2H, इससे कराएंगे तो क्या होगा?
तो ये हो गया आपका, बनाएगा आपका आर एच, उसके बाद यहाँ पे कार्बन के साथ एच लगेगा हाइड्रोजन और यहाँ पे ओ एच। तो देखिए आप कहोगे जब हम एल्डिहाइड को, जब हम एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं, जब हम एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं तो एल्कोहल बनता है। तो आपने ये चीज़ देखा कि एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराने पर क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि यह एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल है। क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ये चीज़ हमने देखा। उसी प्रकार देखो आपका ये क्या है, ये है आपका एल्डिहाइड, ये क्या है आपका एल्डिहाइड, और इसको आप क्या करोगे, नवजात ऑक्सीजन। जब आप एल्डिहाइड को नवजात ऑक्सीजन से, पुनः देखिए, जब आप एल्डिहाइड को नवजात ऑक्सीजन से क्रिया कराओगे तब क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएगा। तो फिर से देखिए, जब हम एल्डिहाइड को किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं तो वह 1 डिग्री अथवा प्राथमिक एल्कोहल बनाता है। उसी प्रकार जब हम एल्डिहाइड को किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो वह क्या बनाता है, तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस चीज़ को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन के अगला रासायनिक गुणधर्म क्या है। तो हमने किसके देखा, एल्डिहाइड के देखा, अब हम देखेंगे कीटोन के रासायनिक गुणधर्म। तो अभी देखिए यहाँ पे आएगा आपका कीटोन, ये है आर और ये आर, मतलब कार्बन अर्थात कार्बोनिल कह सकते हैं हम। कार्बोनिल के साथ क्या जुड़े हैं, जब दो एल्किल जुड़े होंगे तो कीटोन होगा, और कीटोन की क्रिया कराएंगे 2H मतलब हाइड्रोजन के साथ अपचयन, कीटोन का हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराएंगे। जब इसका हम अपचयन कराएंगे तब क्या होगा, देखिए तब ये आपको बनाएगा आर आर और यहाँ बनाएगा OH और यच। मतलब जब हम कीटोन को, जब हम कीटोन को हाइड्रोजन के साथ, जब हम कीटोन को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं तब आपको 2 डिग्री मतलब द्वितीयक एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है, दो आर हैं इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल। तो आप कहोगे जब हम किसको, जब हम स्टोन को हाइड्रोजन के साथ अपचयित कराते हैं तो 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होता है। हमने इस चीज़ को देखा। उसी प्रकार हम और देखते हैं कि इसके क्या रासायनिक गुणधर्म हैं। देखिए यहाँ पे आपके पास है स्टोन का मतलब ये है CH3CO CH3, ये हमने देखा। अब इसकी क्रिया कराएंगे और देखो इसके मतलब किसी अभिकर्मक कराते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, इसकी क्रिया हम कराएंगे अमोनिया के साथ, किस साथ, अमोनिया के साथ NH3 के साथ। तो जब इसकी क्रिया कराएंगे तो ये क्या होगा, ये ओ यहाँ से निकलेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये देखिए इससे बनाएगा आपका CH3 बनाएगा, CH3 बनाएगा, उसके बाद सी, अब यहाँ पे OH हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, NH2 हो गया। तो फिर से एक बार देखिए आप कहोगे जब हम एसीटोन को अमोनिया के साथ क्रिया कराया तब ये इस प्रकार की रचना को बना लिया, और इसका नाम देखिए क्या होता है। तो इसका नाम यहाँ पर जो दिया गया है, इसका नाम है ऑक्सीमिनो एसीटोन। क्या है, ऑक्सीमिनो एसीटोन क्या है, ऑक्सीमिनो एसीटोन। तो फिर से एक बार देखिए आप जब आप एसीटोन को अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ऑक्सीमिनो क्या बनेगा आपका, एसीटोन बनता है। तो हमने देखा इस चीज़ को। अब हम देखेंगे अगला गुणधर्म, अगला हम देखते हैं एसीटोन का और एल्डिहाइड का क्या रासायनिक गुणधर्म है। तो पहले हम देखेंगे एसीटोन के, तो एसीटोन को आप ऐसे लिखते हैं CH3CH3CO, और इसकी क्रिया आप करा दोगे किसके साथ, इसकी क्रिया कराना है यहाँ पर CHCl3, ऐसे लिख दोगे CH और Cl3। तो कई बार आपका प्रश्न आया है बोर्ड पेपर में, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया किससे होती है, एसीटोन की क्रिया होती है क्लोरोफार्म से। तो ये क्या है, CHCl3 क्लोरोफार्म है। तो आप कहेंगे, पहले एक बार प्रश्न सुनिए, क्या होता है जब
एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से होती है। तो आप कहोगे जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से होगी तो बनाएगा प्रोडक्ट आपका यहाँ पे 6HCl पहले निकाल देगा, सॉरी यहाँ पे क्या निकाल देगा आपका, यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, ये डायरेक्ट बनाएगा आपका CH3 और CO, मतलब CO यहाँ पे लगा है तो ये मिलकर ये मिलेगा और ये H मिलेगा तो OH हो जाएगा और CCl3 को बना लेगा, क्या बना लेगा, CCl3 को बना लेगा। तो फिर से देखिए प्रश्न है क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया किससे क्लोरोफार्म से होती है, तो ये बनाएगा आपका क्लोरीटोन, क्या बनाएगा, क्लोरीटोन को बनाता है। तो हमने देखा क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया क्लोरोफार्म से होती है तो ये क्या बनाएगा आपका, क्लोरीटोन बनाएगा, इस चीज़ को देखा। अगला हम देखते हैं हैलाइड से क्रिया, किससे, हैलाइड से क्रिया, तो ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है, ये हमारे पास क्या है, एसीटोन है, और यहाँ पे क्या हमारे पास है, हैलाइड है, मतलब 3X2 कर दें हम, तो देखिए ये एसीटोन है और ये हैलाइड है, जब क्रिया होगी तो ये बनाएगा आपका R, और यहाँ पे देखिए ये आपका एसीटोन है इसलिए ये प्रोडक्ट जो बनाता है वो आपका इस प्रकार बनाता है, इस प्रकार बनाएगा, यहाँ पे जैसे आपने R लिखा है तो R का मान होता है CH3, क्या होता है, CH3, तो यहाँ पे आप लिख दोगे X3, यहाँ पे क्या है, X3 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बना लेता है यहाँ पर, पहले निकाल देगा 3HCl निकाल देगा, आपके मन में समस्या होगी H नहीं है इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम लेंगे एल्किल को, क्या लेंगे, एल्किल का मान रखेंगे अर्थात CH3 को रखेंगे, तब ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो CH3 हो गया आपका, और उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, तो एक बार फिर से देखिएगा ये एसीटोन ही है लेकिन यहाँ पे H निकालना था इसलिए हमने क्या लिया, यहाँ पर मेथिल मतलब CH3 को लिया है, जब क्रिया कराया तो CH3, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, CH3 आपने लिख दिया, यहाँ पे CH3 है लेकिन 3H यहाँ से बाहर निकले और 3 × 6 मतलब 6X है, 6X में से 3X बाहर निकला तो आपने क्या निकाल दिया, 3HCl को बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा आपके पास, CO बचे हैं, ये आपका बचा है, बन गया आपका यौगिक। तो फिर से देखिए प्रश्न है आपका और इसका उत्तर आप कैसे देंगे, आप कहोगे क्या होता है, प्रश्न है आपका क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया हैलाइड से होती है, क्या होता है जब एसीटोन की क्रिया हैलाइड से होती है, तो आप कहोगे तब ये बनाएगा ट्राई हेलो, क्या बनाएगा आपका, एसीटोन बनाएगा, ट्राई हेलो एसीटोन को बनाता है तथा HCl का 3 अणु बाहर चला जाता है, तथा HCl का 3 अणु बाहर चला जाता है। उसी प्रकार देखिए आप जब किसी की क्रिया, जब ये मतलब आपका एल्डिहाइड, जब एल्डिहाइड किससे क्रिया करता है, जब एल्डिहाइड आपका क्रिया करेगा हाइलोजन से, किससे करेगा, हाइलोजन से, तब क्या बनेगा, देखो तब क्या बनेगा, तब ये बनाएगा आपका प्रोडक्ट उसी प्रकार जैसे आपका यहाँ बना है, ये आपका क्या है, ये आपका एल्डिहाइड और ये क्या है आपका, ये है आपका हाइलोजन, जब ये क्रिया करेगा तो ये भी आपका प्रोडक्ट बनाएगा, और ये प्रोडक्ट क्या बनाता है उसे हम देखते हैं। तो उसी प्रकार रिएक्शन यहाँ पर भी होगी कि 3H यहाँ से निकलेगा और 3X यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा आपका -3HX। तो फिर से देखिए ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के ये जो CH3 है उस कार्बन से 3H निकला और यहाँ से 3X निकला तो क्या बना लिया, -3HX बना लिया। अब क्या बचा है, CX3 आप ऐसे लिख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे H लगाएंगे, ये हाइड्रोजन लगा हुआ है और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास CO समूह लगा है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ट्राई हेलो एल्डिहाइड, क्या नाम होगा इसका, ट्राई हेलो एल्डिहाइड। तो फिर से एक बार देखिए आप कहोगे जब एसीटोन क्लोरोफार्म से क्रिया करती है तब क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनता है। उसी प्रकार जब आपका एसीटोन इसके साथ हैलोजन से क्रिया करती है तो क्या बनाती है, ट्राई हेलो एसीटोन, क्या बनाती है, ट्राई हेलो एसीटोन बनाती है और 3HCl बाहर चले जाते हैं। उसी प्रकार जब एल्डिहाइड हैलोजन से क्रिया करती है
तो क्या बनता है, तब ये बनेगा पर ट्राई हेलो एल्डिहाइड, ट्राई हेलो एल्डिहाइड बनेगा, और तीन मतलब तीन या थ्री हैलोजन हैलाइड, हैलोजन हैलाइड बाहर चले जाते हैं। तो हमने इसके इस गुणधर्म को देखा। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला गुणधर्म क्या है। अब हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के का अगला गुणधर्म क्या है। तो अगला गुणधर्म है आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया। सूत्र होगा आपका SO2Cl2। नाम है सल्फ्यूरिल, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, क्लोराइड ये इसका नाम है। तो आप कहोगे एल्डिहाइड और कीटोन का जो अगला रासायनिक गुणधर्म है वह है आपका सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया। किससे? सल्फ्यूरिल क्लोराइड से क्रिया। तो हम इस हेडिंग को अब देखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का मतलब ये मान लेते हैं आर एच सी ओ, ये क्या है आपका एल्डिहाइड है। और आप कहोगे अगर चाहें तो आप यहाँ सी एच थ्री रखते हैं, क्या रखें CH3 रख कर देख सकते हैं आप, ये एल्डिहाइड है और इसी क्रिया SO2Cl2 से होगी। तो होगा इसमें क्या, एक बात ध्यान देना कि यहाँ से एक ये SO2 में कोई बदलाव नहीं होगा, SO2 आपका ऐसे, SO2 यहाँ पे निकाल दीजिए, यहाँ पे SO2 आपका ऐसे निकल जाएगा गैस के रूप में। उसके बाद एक एच यहाँ से निकलेगा जो यहाँ तीन लिखा गया है, मतलब हाइड्रोजन यहाँ पे तीन बार है, एक एच यहाँ से निकलेगा और एक सी एल यहाँ से निकलेगा। तो आप कर दोगे एच सी एल, क्या कर दोगे एच सी एल। एक बात ध्यान देना इन प्रोडक्ट को आप यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं, इन प्रोडक्ट को आप लिख सकते हो माइनस एच सी एल माइनस SO2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या बचा है, बचा हमारे पास है सी एल एक बार, तो CH2Cl, क्या बचा है CH2Cl बचा है, ऊपर हमने लिख दिया। उसके बाद फिर क्या बचा है आपका, यहाँ पे बचा है आपका कार्बन और ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है एच लगा हुआ है। तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बना, और इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, देखिए इस प्रोडक्ट का नाम है मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। क्या नाम है इसका? मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हाइड। तो एक बार फिर से देखिए, जब आप किसको एल्डिहाइड को किसके साथ सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होगा, एच सी एल बाहर चला जाता है, उसी प्रकार SO2 बाहर चली जाती है। अब क्या बचा, यहाँ पे बस बनता जो है आपका मोनोक्लोरो एसिटेल डिहाइड बनता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। आइए हम देखते हैं उसी प्रकार कि अब क्या होता है जब कीटोन, क्या होता है जब कीटोन अथवा एसीटोन। तो यहाँ लिखेंगे CH3, यहाँ लिखेंगे CH3, और उसके बाद क्या होगा, ये होगा कीटोन, SO2Cl2 से क्रिया होगी, SO2Cl2 से क्रिया होगी। तो ये कीटोन है और ये है SO2Cl2। जब क्रिया होगी कीटोन की सल्फ्यूरिल क्लोराइड से तो क्या होगा, उसी प्रकार SO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, SO2 गैस यहाँ से निकल जाएगी, और क्या निकलेगा यहाँ पर, यहाँ पर HCl भी निकल जाएगा। इन प्रोडक्ट को आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बचेगा क्या आपका, बचेगा CH2Cl, उसके बाद CH3, और यहाँ पे बचेगा CO, क्या बचेगा CO। लेकिन Cl कई बार यहाँ पे एक बार है, तो आप कहोगे मोनोक्लोरो एसीटोन, क्या कहोगे मोनोक्लोरो एसीटोन बना। तो क्या नाम है इसका, नाम है मोनोक्लोरो एसीटोन, एसीटोन। तो पुनः एक बार देखिए, जब हम एल्डिहाइड को सल्फ्यूरिल क्लोराइड अर्थात SO2Cl2 से क्रिया कराएंगे तो HCl बाहर चला जाएगा, SO2 बाहर चली जाएगी और बनाएगा आपका CH2Cl, कार्बन के साथ द्विबंध और हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, साथ साथ द्विबंध से ऑक्सीजन जुड़ा रहता है। नाम होगा इसका मोनोक्लोरो एसिटाल्डिहाइड। उसी प्रकार जब एसीटोन की क्रिया हम किससे कराते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड अर्थात SO2Cl2, तो SO2 गैस बाहर जाती है, HCl भी बाहर चली जाती है और CH2Cl फिर कार्बन के साथ बंध बना के CH3 बनाता है और C डबल बंध ऑक्सीजन को बनाता है। नाम है इसका मोनोक्लोरो एसीटोन, क्या नाम है मोनोक्लोरो एसीटोन। तो हमने इस गुणधर्म को
इस गुणधर्म को देखा। अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब एल्डिहाइड और कीटोन, क्या होता है जब एल्डिहाइड कीटोन किससे मरकैप्टन से क्रिया करता है। मरकैप्टन से क्रिया करता है। क्या होता है जब एल्डिहाइड और कीटोन मरकैप्टन से क्रिया करता है? तो आप एल्डिहाइड कीटोन को ऐसे भी देख सकते हैं CH3H, उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन लग जाएगा। अब देखिए जो इसके सूत्र है मरकैप्टन का, उसका सूत्र क्या होता है एक बार देख लीजिए। सूत्र है आपका H2H5, ये है आपका, या आप कहोगे इसी का नाम है एथिल थायोल। क्या नाम है? एथिल थायो एल्कोहल, एथिल थायो एल्कोहल इसका नाम है। इसके दो अणु रहेंगे, यहाँ पे ध्यान देना, इसके दो अणु यहाँ पर रहेंगे। तो एक बार फिर से देखिए, ये क्या है आपका CH3CHO, मतलब ये एल्डिहाइड है, और ये क्या है आपका एथिल थायो एल्कोहल। तो प्रश्न उठता है क्या होता है जब किसकी क्रिया, जब एस्टरडिहाइड की क्रिया एथिल थायो एल्कोहल से होती है, तो पानी का अणु यहाँ से बाहर चला जाएगा, पानी का अणु यहाँ से रिमूव हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और ये जब प्रोडक्ट बनाएगा तो वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा, पहले यहाँ लिख देते हैं पानी H2O, बाहर चले गए, अब बनाएगा क्या आपका CH3 और ये बनाएगा H, डबल बंध ऑक्सीजन जुड़ी थी लेकिन अब यहाँ पे जुड़ेगा सल्फर, ये चीज़ बनाएगी CH2H5, उसके बाद सल्फर C2H5 इसको बना लिया। अब इसका नाम देखिए क्या है, इसका नाम होगा आपका डाईएथिल। क्या नाम होगा? डाईएथिल, नाम लिख देते हैं डाईएथिल मेथिल मरकैप्टोल या मरकैप्टल, इसका नाम क्या होगा? मरकैप्टल। डाईएथिल मेथिल मरकैप्टल, मरकैप्टल ये इसका नाम है। तो देखिए जब एल्डिहाइड किससे एथिल थायो एल्कोहल से क्रिया करती है, तो जल का अणु यहाँ से बाहर चला जाता है और बनाती है आपका डाईएथिल मरकैप्टल। क्या बनाती है? डाईएथिल मेथिल मरकैप्टल बनाती है। उसी प्रकार देखिए कीटोन के साथ, ये हमारे पास है कीटोन और ये भी क्रिया करेगा उसी प्रकार, तो ये क्या है आपका डाईएथिल, डाई यहाँ पे है आपका एथिल थायो एल्कोहल, तो ये C2H5 और ये क्या है C2H5। तो एक बार फिर से देखिए, ये है आपका CH3CO और यहाँ पे है H C2H5, वही उसी के दो अणु यहाँ पे लिए गए हैं, तो पानी यहाँ से बाहर चला जाएगा। आप लिख सकते हैं यहाँ पर -HOH। अब क्या होगा यहाँ पर CH3CH3 और ये कार्बन C2H5 मतलब सल्फर से C2H5 जुड़ेगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका डाईएथिल डाईमेथिल फिर मरकैप्टोल। इसका नाम क्या है? मरकैप्टोल। तो आप कहोगे डाईएथिल मरकैप्टोल इसका नाम होगा। तो हमने इस चीज़ को देखा, एक बार फिर से देख लीजिए। आप कहोगे जब कीटोन की क्रिया किसके साथ एथिल थायो एल्कोहल से होती है, तो ये बनाता है आपका पानी के अणु को बाहर, ये पानी के अणु को पहले बाहर कर देगा, उसके बाद जो बनेगा उसका नाम है डाईमेथिल मरकैप्टोल बनाता है। तो हमने इस चीज़ को देखा। तो हमने एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म को देखा। अब हम देखेंगे एक बार इसे संक्षेप में, मतलब ये जो पढ़ा हमने इसे देखते हैं। जब एल्डिहाइड किसके साथ एथिल थायो एल्कोहल से क्रिया कराती है, तो पानी का अणु बाहर जाता है और बनाती है आपका डाईएथिल मेथिल मरकैप्टल। उसी प्रकार जब कीटोन एथिल थायो एल्कोहल से क्रिया कराती है या करती है, तो डाईएथिल क्या बनेगा? डाईएथिल
डाइमेथिल मरकेप्टोल बनता है। तो आज यहीं तक, उसके बाद हम अगले भाग में देखेंगे इसके आगे मतलब फॉर्मल्डिहाइड क्या है, फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधियाँ कौन कौन सी हैं, एसीटाल्डिहाइड क्या है, इसके बनाने की विधियाँ कौन है, और हम एसीटोन के बारे में या प्रोपेनोन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज यहीं तक नमस्ते दोस्तों, फिर इसके अगले भाग में आगे हम पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।